कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। और बॉलीवुड में भी एक ऐसी अभिनेत्री हैं जिन्होंने कभी हार नहीं मानी। जी हाँ, बॉलीवुड सितारों के फैंस देश भर में हैं। हर कोई अपने फेवरेट सितारों के बारे में जानने के लिए हमेशा ही एक्साइटेड रहता है। और आज हम एक ऐसी ही बॉलीवुड एक्ट्रेस के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। तो फिर शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की। स्वागत है आप सभी का, मैं हूं सुगंध और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का नेक्स्ट 9 न्यूज में। और आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के सबसे फेमस और सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस कहलाई जाने वाली ट्विंकल खन्ना के बारे में। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ट्विंकल खन्ना एक बहुत ही खूबसूरत और होनहार एक्ट्रेस कहलाई जाती हैं। अब वो बेशक फिल्मों में दिखाई ना देती हों, लेकिन उनकी फैन फॉलोइंग आज भी उतनी ही है जितनी पहले थी। लेकिन अगर ट्विंकल खन्ना के फिल्मी सफर की बात की जाए तो आपको बता दे, ट्विंकल खन्ना बॉलीवुड में तो कुछ ज़्यादा खास कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन आज हम आपको ट्विंकल खन्ना की जिंदगी से आप सभी को रूबरू करवाएंगे। तो फिर देरी किस बात की, चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की और डालते हैं नज़र ट्विंकल खन्ना की जिंदगी के ऊपर। देखते हैं उनकी लव लाइफ से लेकर उनके कॉन्ट्रोवर्सीज और साथ ही साथ उनका फिल्मी सफर। तो देखिए हमारी खास रिपोर्ट। 29 दिसंबर 1974 में महाराष्ट्र के मुंबई में जन्मी ट्विंकल खन्ना को टीना जतिन खन्ना नाम से भी जाना जाता है। ट्विंकल खन्ना बॉलीवुड की मशहूर जोड़ी राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया की बेटी हैं। ट्विंकल खन्ना की एक बहन भी है जिनका नाम रिंकी खन्ना है। वहीं अगर ट्विंकल खन्ना के फिल्मी करियर की बात की जाए तो आपको बता दें कि ट्विंकल ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1995 में रिलीज हुई बरसात फिल्म से की थी। इस फिल्म के लिए ट्विंकल खन्ना को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला था। धीरे धीरे ट्विंकल का करियर आसमान छूता गया और वो लोगों के दिलों में अपनी एक खास जगह बनाती गई। इसके बाद उन्होंने अजय देवगन के साथ, जान शाहरुख खान के साथ बादशाह, दिल तेरा दीवाना उफ ये मोहब्बत, सलमान खान के साथ जब प्यार किसी से होता है, जुल्मी आमिर खान के साथ मेला, गोविंदा के साथ जोरू का गुलाम, संजय दत्त के साथ जोड़ी नंबर 1, सोनाली बेंद्र और सैफ अली खान के साथ लव के लिए कुछ भी करेगा जैसी फिल्मों में काम किया। लेकिन धीरे धीरे ट्विंकल ने फिल्मों में एक्टिंग करने से दूरी बना ली। उसके बाद ट्विंकल ने खुद फिल्मों को डायरेक्ट करना शुरू कर दिया। 30 मार का थैंक यू, पटियाला हाउस, हॉलीडे जैसी फिल्में उन्होंने खुद बनाई थी। तो दोस्तों, देखा आपने ट्विंकल खन्ना का फिल्मी सफर और साथ ही साथ आपने ये भी देखा कि ट्विंकल खन्ना कब पैदा हुई थी और किस तरीके से वो बॉलीवुड में आई थी। लेकिन आपको बता दें, ट्विंकल खन्ना बॉलीवुड में तो कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन ट्विंकल खन्ना की लव स्टोरी काफी ज्यादा मजेदार है। फिल्मों की तरह ही ट्विंकल खन्ना की लव स्टोरी है। और आगे हम आपको लेकर चलते हैं ट्विंकल खन्ना और बॉलीवुड के खिलाड़ी और उनके पति यानी कि अक्षय कुमार की लव स्टोरी के पर। जी हाँ, अब देखेंगे हम ट्विंकल खन्ना और अक्षय कुमार की लव स्टोरी। तो देखिए हमारी खास रिपोर्ट। अब आगे हम बात करेंगे अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना की लव स्टोरी के बारे में। जी हाँ, आपको बता दें, दोनों की पहली मुलाकात मुंबई में फिल्म फेयर की मैगजीन की शूट के दौरान पर हुई थी। यहीं पर अक्षय ट्विंकल को अपना दिल दे बैठे थे। अक्षय के पास आज भी उस फोटो शूट की तस्वीरें हैं। लेकिन इन दोनों का प्यार परवाना तब चढ़ा फिल्म इंटरनेशनल खिलाड़ी की शूटिंग के दौरान, जहां दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। फिर इन दोनों ने 2001 में शादी करने का फैसला किया। लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि ट्विंकल की सगाई 2 बार हुई थी। जी हाँ, आपको बता दे, लेकिन ये बात अलग है कि दोनों बार ही उनकी सगाई अक्षय से हुई थी। जी हाँ, ये बिल्कुल सच बात है। पहली सगाई किसी वजह से टूट गई थी, क्योंकि ट्विंकल का बॉलीवुड करियर कुछ खास नहीं रहा। इसलिए बॉलीवुड एक्ट्रेस के बजाय ट्विंकल खन्ना को उनके पति अक्षय कुमार की वजह से ज्यादा जाना जाता था। कुछ फ्लॉप फिल्में करने के बाद उन्होंने अक्षय कुमार से शादी कर ली और अक्षय और ट्विंकल की शादी को लगभग 15 साल हो चुके हैं। दोनों का एक बेटा आरव्य और बेटी नितारा है। अब ट्विंकल फिल्मी करियर छोड़ चुकी हैं और इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करती हैं।
दोस्तों देखा आपने कि अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना की एंगेजमेंट हो चुकी थी, लेकिन बावजूद इसके इन दोनों की शादी नहीं हुई थी। और इन दोनों की लव स्टोरी कितनी ज्यादा मजेदार है, लेकिन आखिरकार ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाए और आज शादी के बंधन में बंध चुके हैं और अपनी खुशहाल एक जिंदगी जी रहे हैं। और अब हम आगे आपको लेकर चलते हैं ट्विंकल खन्ना की लिखी किताबों के ऊपर। ये तो आप सभी जानते हैं, ट्विंकल खन्ना बॉलीवुड में कुछ ज्यादा खास कमाल नहीं दिखा पाई और वो अब एक्टिंग करती हुई नहीं दिखाई देती हैं। लेकिन ट्विंकल खन्ना अब लेखिका भी बन गई हैं और उनकी लिखी किताब के बारे में आपको आगे हमारी इस खास रिपोर्ट में जानने को मिलेगा। तो फिर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अब आगे हम बात करेंगे ट्विंकल की लिखी किताबों के बारे में। जी हाँ, फिल्मों से ब्रेक लेने के बाद ट्विंकल ने अपनी दूसरी पारी इंटीरियर डिजाइनर और राइटर के तौर पर शुरू की। उनकी कॉमिक सीरीज बुक मिसेस फनी बोन्स की बहुत तारीफें होती हैं। राइटर बनी ट्विंकल खन्ना ने अपनी पहली बुक मिसेस फनी बोन्स भी लॉन्च की है। इसी के साथ ही ट्विंकल इंटीरियर डिजाइनर के साथ साथ राइटर भी बन गई है। भाई ट्विंकल खन्ना जितनी होनहार हैं और जितनी अच्छी उन्होंने किताबें लिखी हैं, उनका नाता कॉन्ट्रोवर्सी से भी जुड़ा हुआ है। जी हाँ, आपको बता दे ट्विंकल खन्ना कई विवादों में फंस चुकी हैं। आपको बता दे ट्विंकल खन्ना ज्यादातर अपने बयानों के चलते काफी ज्यादा मुश्किलों में फंस जाती हैं। आपको बता दें सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली ट्विंकल खन्ना अपने बयानों की वजह से, अपने पोस्ट की वजह से कहीं ना कहीं कॉन्ट्रोवर्सीज का हिस्सा बन ही जाती हैं। और आगे देखिए ट्विंकल खन्ना की कॉन्ट्रोवर्सी कैसी रही और किस कॉन्ट्रोवर्सीज में वो फंस गई हैं। तो देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। एक्ट्रेस से लेखिका बनी ट्विंकल खन्ना अक्सर अपने कमेंट्स और ट्वीट की वजह से सुर्खियों में रहती हैं। सोशल मीडिया पर मिसेस फनी बोन्स के नाम से मशहूर ट्विंकल खन्ना ने कहा कि वो इस बात की परवाह नहीं करते कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं और वो हमेशा अपने मन की बात करती ही रहेंगी। जब आपके पास कुछ आता है तो आप एक विचार देते हैं, मेरे लिए कुछ मायने रखता है तो मैं हमेशा ही बोलती हूँ। ट्विंकल खन्ना ट्विटर पर अपने कमेंट्स को लेकर भी विवादों का हिस्सा बन ही जाती हैं और आए दिन सोशल मीडिया पर ट्रॉल हो जाती हैं। तो देखा आपने, बॉलीवुड एक्टर और खिलाड़ियों के खिलाड़ी अक्षय कुमार की पत्नी ट्विंकल खन्ना किस तरीके से उन्होंने अपना फिल्मी सफर शुरू किया था और कहां जाके उनका फिल्मी सफर खत्म हो गया। और जैसे ही ट्विंकल खन्ना का करियर नीचे आता गया, वैसे ही उन्होंने अक्षय कुमार से शादी कर ली। हालांकि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे, लेकिन उसके बाद भी कई मुश्किलें झेलने के बाद इन दोनों ने शादी कर ली और आज अपनी शादीशुदा जिंदगी में ये दोनों काफी ज्यादा खुश हैं। वहीं ट्विंकल खन्ना ने किस तरीके से एक एक्ट्रेस से लेकर एक लेखिका का सफर तय किया है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और इन्हीं में से हैं ट्विंकल खन्ना। जैसा कि आपने देखा, फिल्मी करियर में ज्यादा सफल ना होने के बावजूद भी ट्विंकल खन्ना ने हार नहीं मानी और आज वो किताबें लिखती हैं, लेखिका बन गई हैं। उनकी किताब काफी ज्यादा मशहूर हो गई, उन्होंने अपनी किताब लॉन्च भी करी थी जो लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई। और साथ ही साथ ट्विंकल खन्ना की कॉन्ट्रोवर्सीज के बारे में भी आप सभी को जानने को मिला। लेकिन दोस्तों फिलहाल वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का, पर इस वादे के साथ ले रहे हैं आपसे विदा, जल्द होगी आपसे मुलाकात। ऐसी ही बी टाउन के और भी कुछ बड़े बड़े सितारों की बायोग्राफी, उनके जिंदगी से जुड़े कुछ खास किस्सों के साथ। तब तक के लिए आप देखना ना भूलें नेक्स्ट टाइम न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।